क्या मामला था सर? रात में एक पेशेंट आया, लगभग 11:30 बजे, गैस्ट्रिक कंडीशन में था, उसका कंडीशन बहुत ख़राब था। और उसके बाद हम लोग उसको ऑक्सीजन लगाए और बाकी जो भी दवाई वगैरह देना था, इंजेक्टेबल वगैरह सारा सब कुछ किए। उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसको हम लोग रेफ़र किए, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फिर पेशेंट नहीं रहा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से वो लोग लेके यहाँ आया और यहाँ आने के बाद बहुत हंगामा किया, उसके बाद गाली गलौज किया हम लोगों के साथ, मारपीट का भी नौबत आ गया। किसी तरह से हम लोग वहाँ से निकल कर फिर SDO सर का जो आवास है वहाँ जाकर हम लोग अपना जान बचाए हैं। आप रात में आपसी ड्यूटी पर हम थे और सर थे, दोनों थे, और जितने स्टाफ थे सब लोगों को भी गाली गलौज किया। वो लोग भी इधर उधर गए और कुर्सी वगैरह से उठा करके मारने का कोशिश किया। हम लोग किसी तरह से निकले वहाँ से और SDO सर के आवास पे गए। वो वहाँ जाने के बाद हम लोग बच पाए, नहीं तो हम लोग हो सकता है जान से ही मारने की कोशिश करते। कोरोना के लिए सर यहाँ सुरक्षा कर्मी नियुक्त हैं, वो लोग नहीं थे क्या रात में? सुरक्षा कर्मी ऊपर, कोरोना वाले ऊपर हैं 3rd फ्लोर पे, और ये हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी नीचे कर रहे थे, तो उन लोगों को पता शायद नहीं चला हो, हम लोग देख नहीं पाए। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दिया सर? हाँ, मौखिक तो दिया गया है, मौखिक हम लोगों ने रात में ही सूचना दिया। क्या नाम हुआ सर? छपेगा क्या लगता है? मतलब जिस पेशेंट में आता था तो लोग यहाँ बोल रहे थे, क्या मामला था सर? रात में एक पेशेंट आया, लगभग 11:30 बजे, गैस्ट्रिक कंडीशन में था, उसका कंडीशन बहुत ख़राब था। और उसके बाद हम लोग उसको ऑक्सीजन लगाया और बाकी जो भी दवाई वगैरह देना था, इंजेक्टेबल वगैरह सारा सब कुछ किए। उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसको हम लोग रेफ़र किए, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फिर पेशेंट नहीं रहा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से वो लोग लेके यहाँ आया और यहाँ आने के बाद बहुत हंगामा किया, उसके बाद गाली गलौज किया हम लोगों के साथ, मारपीट का भी नौबत आ गया। किसी तरह से हम लोग वहाँ से निकल कर फिर SDO सर का जो आवास है वहाँ जाकर हम लोग अपना जान बचाए हैं। आप रात में आपसी ड्यूटी पर? हम थे और सर थे, दोनों थे, और जितने स्टाफ थे सब लोगों को भी गाली गलौज किया। वो लोग भी इधर उधर गए और कुर्सी वगैरह से उठा करके मारने का कोशिश किया। हम लोग किसी तरह से निकले वहाँ से और SDO सर के आवास पे गए। वो वहाँ जाने के बाद हम लोग बच पाए, नहीं तो हम लोग हो सकता है जान से ही मारने की कोशिश करते। कोरोना के लिए सर यहाँ सुरक्षा कर्मी नियुक्त हैं, वो लोग नहीं थे क्या रात में? सुरक्षा कर्मी ऊपर, कोरोना वाले ऊपर हैं 3rd फ्लोर पे, और ये हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी नीचे कर रहे थे, तो उन लोगों को पता शायद नहीं चला हो, हम लोग देख नहीं पाए। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दिया सर? हाँ, मौखिक तो दिया गया है, मौखिक हम लोगों ने रात में ही सूचना दिया। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अश्विनी कुमार।